हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जिन्हें आज हम अपने किचन में ना मटन का हरीसा बनाते हैं, ठीक है। इसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी थी, ठीक है। मैंने मटन ले लिया था और इसके बड़े बड़े पीसीस कर लिए थे। एक प्याज, नमक मिर्च और कम से कम एक पाव लहसुन छीला हुआ डाला था और इसको प्रेशर लगा दिया। जब ये गोश्त गल गया, मैंने मटन सारा निकाल के अलहदा कर दिया और इसके पानी में मैंने आधा किलो चावल, आधा किलो दलिया और आधा किलो मूंग की दाल जो छिलकों वाली होती है ना, वो मैंने भिगो के ओवरनाइट रख दी थी। फिर उसके छिलके उतार लिए थे और मैंने 2 घंटे के लिए इस सूप में इसको पका लिया। बाद में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया था ब्लेंडर से और जो गोश्त था उसको कूट लिया। जब ये गरम गरम ही दाल दलिया और इसके पानी में मिक्स था, फिर मैंने इसमें सारा मटन डाल दिया ताकि ये नरम हो जाए और गरम हो जाए, फिर आसानी से मिक्स हो जाए। फिर 2-3 घंटे के लिए इसको मैंने अच्छी तरह घुटा, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से घुटाई मांगता तो इसकी लेस निकलती है, वैसे ये नहीं निकलती, ठीक है। फिर आपने मटन मैंने लिया था, 3-4 किलो इसका कीमा था। इसमें मैंने प्याज, नमक मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, सारे कुटे हुए मसाले और ग्रीन चिली डाल के तो मैंने इसके छोटे छोटे से कबाब बना के इसको ढेर सारे डीप फ्राई कर लिए थे। ये क्वांटिटी में ज़्यादा था, आपने जितनी क्वांटिटी रखनी है उस हिसाब से आपने इसमें मसाला जार डाल लेने हैं, ठीक है। फिर मैंने इसकी छोटी छोटी कबाबियाँ बना ली, ठीक है। अब फिर मैंने इसमें देसी घी लिया और अदरक को मैंने अच्छी तरह क्रश करके इसमें पालक डाली और इसका एक तड़का बना लिया और उतनी देर में हरीसा जो सा था वो पकता ही रहा। हरीसे की पकाई 3 से 4 घंटे होती है घुटने के बाद, ठीक है। फिर मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया और 1 घंटा फिर मैंने दम पे रखा। उसके बाद मैंने देसी घी और इसकी कबाबियों के साथ इसकी गार्निश कर दी। मुझे दुआओं में शामिल रखें, अपना ध्यान रखें और ये हरीसा लाजमी बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये हरीसा कैसा लगा। सर्दियों की तो वैसे ही सबकी फेवरेट डिश होती है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।